हेलो गाइस, दिस इज़ रेन फ्रॉम decaptech.com और आप फ्रेंड्स देख रहे हैं Bootstrap 4। तो चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, लास्ट के लेसन में आपने ये सीखा हुआ था, ये सारी चीज़ें मैंने बताई हुई थी, कुछ टैग्स बताए थे। तो ये हमारा फोल्डर बना हुआ, तो इसको ओपन करते हैं और इसको नोट पैड, चूँकि हम कोड एडिटर जो यूज़ कर रहे हैं वो नोट पैड हमारा है, नोट पैड प्लस प्लस। सो यहाँ पे हेडिंग्स के बारे में H1 से लेके S6 तक हेडिंग्स देखे थी, फिर पैराग्राफ देखा था और कुछ इंपॉर्टेंट टैग्स भी देखे थे गाइस। सो अब इन सबको क्लियर कर देते हैं, चूँकि अभी हमें इनकी कोई नीड नहीं है, और जैसे नीड होगी तो हम इनका यूज़ करेंगे। जैसे कि अभी हमें आगे चल के जो हमारी PSD टेम्पलेट है उनको भी अभी इसमें कन्वर्ट करना है। नॉर्मली मैं आपको बताऊँगा Bootstrap में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, और फिर PSD टेम्पलेट को आप कैसे क्या HTML, नॉर्मली HTML में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये आपका फ्रेमवर्क है, काफ़ी अच्छा है। तो सबसे पहले मैं इसी में बताऊँगा, उसके बाद में HTML पे देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम एक डिव लेते हैं गाइज, डिव को क्लोज करते हैं। ये आपकी डिव हो गई, और यहाँ पे मैं डमी टेक्स्ट कुछ भी देता हूँ, जैसे कि मैं इसको कॉपी करता हूँ और ये डमी टेक्स्ट यूज़ करूँगा गाइज यहाँ पर। और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया, इसको रिफ्रेश करेंगे और क्रोम पर ओपन करते हैं गाइज। सो ये इस तरीके से आपका कुछ ओपन हो गया है। तो हमारी जो क्लासेज हैं, जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कलर्स की बना रखी है, तो ये टेक्स्ट कलर हैं, कुछ टेक्स्ट कलर्स मैंने यूज़ किए हुए यहाँ से यहाँ तक। फिर उसके बाद में कुछ बैकग्राउंड कलर्स, तो देखिए यहाँ पे बैकग्राउंड कलर या कोई भी किसी चीज़ का हमें कलर देना हो तो आप क्लासेज यही यूज़ करेंगे, जैसे कि प्राइमरी हो गया, सक्सेस हो गया, इन्फो हो गया, वार्निंग हो गया, डेंजर हो गया, सेकेंडरी कलर्स हो गए, वाइट, डार्क। तो आपको यही आपको यूज़ करना है, इसके अलावा और कुछ गाइज यूज़ नहीं करना है आपको। मान लीजिए अब देखिए, हमें टेक्स्ट के लिए यूज़ करना है तो यहाँ पर टेक्स्ट लगा दिया मैंने, ठीक है ना। टेक्स्ट म्यूटेड, टेक्स्ट प्राइमरी, टेक्स्ट सक्सेस, टेक्स्ट इन्फो, टेक्स्ट वार्निंग, टेक्स्ट डेंजर, टेक्स्ट सेकेंडरी, टेक्स्ट वाइट, टेक्स्ट डार्क, टेक्स्ट बॉडी, टेक्स्ट लाइट। अब इसी तरीके से हमें बैकग्राउंड कलर के लिए यूज़ करना है, तो यहाँ पे बिजी बैकग्राउंड का शॉर्टकट यहाँ पे जो इन्होंने CSS रेडी की है Bootstrap वालों ने, तो उन्होंने क्या किया यहाँ पे बिजी, अब यहाँ पे बिजी लगा दो, यानी बिजी प्राइमरी यानी कि किसका कलर हो गया, बैकग्राउंड का कलर। बिजी सक्सेस यानी कि जो सक्सेस वाला कलर है यानी ग्रीन वाला, वो किसके लिए हो गया, बैकग्राउंड के लिए। तो इस तरीके से आपको यूज़ करना है। और एक ये क्लास हमने फाइनली दी है टेक्स्ट वाइट 50 50 बिजी डार्क। तो आप किसी भी डिव में इसका यूज़ करते हो तो इसका मतलब ये हुआ कि जो टेक्स्ट कलर होगा वो वाइट होगा, और उसकी ओपेसिटी जो यानी कि ट्रांसपेरेंसी जो है उसकी वो 50% रहेगी, यानी कि वो प्योर वाइट नहीं रहेगा। ओके सो इस तरीके से आप यहाँ पे दूसरा भी कलर यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। अब ये दूसरी क्लास यूज़ करो, डेंजर यूज़ कर सकते हो, वार्निंग यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पे हम ये नहीं देंगे कि टेक्स्ट रेड, टेक्स्ट ब्लैक, ये सॉरी टेक्स्ट रेड ब्लैक तो दे सकते हैं, टेक्स्ट रेड जैसे कर दिया। तो नॉर्मली ये क्लासेस हमें नहीं देनी है, रेड देना है तो हमें डेंजर का यूज़ करना होगा। तो इसी तरीके से यहाँ पे बाकी अगर आप कुछ अपनी CSS यूज़ करना चाहते हो तो वो भी यूज़ कर सकते हो, वो आगे चल के मैं बताऊँगा। उसके लिए आपको कस्टम डॉट CSS नाम का एक एक फाइल बनानी होगी, और उसको अपनी इंडेक्स फाइल में इंडेक्स इंक्लूड कराना होगा। फिर उसके बाद में जैसे आप उसको इंक्लूड करा लेते हैं, उसमें लिंक करवा देते हैं, आप उसके बाद अपनी कस्टम CSS यूज़ कर सकते हो। कोई भी किसी भी प्रकार का कलर चूज़ करना चाहते हो वो भी चूज़ कर सकते हो, आप कोई भी साइज़ कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो फिलहाल कस्टम CSS के माध्यम से। बट ये बेसिक चीज़ें हैं। तो सबसे पहले अब जैसे मैंने यहाँ पे दिया, तो सबसे पहले स्टार्टिंग से कलर से आते हैं, टेक्स्ट म्यूटेड है, टेक्स्ट प्राइमरी, टेक्स्ट, तो अब इसको सबसे पहले यूज़ करना है। तो डिव में जाते हैं और यहाँ पे एक क्लास देंगे, सबसे पहले कोई भी चीज़ यहाँ पे क्लासेज यूज़ करेंगे, इक्वल टू और डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे। अब देखिए सबसे पहले हमारा टेक्स्ट का म्यूटेड है यूज़ करना, तो टेक्स्ट यहाँ पे टाइप करेंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे म्यूटेड। अब इसको हम रिफ्रेश करेंगे जाके अपने ब्राउज़र पे, तो देखिए अभी ब्लैक है तो थोड़ा सा आपको फ़र्क पड़ गया, ऐसा लग रहा है म्यूट हो गया है कोई चीज़, है ना। जब कोई टेक्स्ट म्यूट कर देते तो ग्रे हो जाता है, तो ये देखिए आपका ग्रे हो गया। बट हम चाहते हैं ये टेक्स्ट जो है सेंटर में आए, तो इसमें क्लास मैंने नहीं लिखी है फिलहाल। अब देखिए हमें इसको सेंटर करना है, क्या सेंटर करना है यार, टेक्स्ट, तो यहाँ पे टाइप करें टेक्स्ट सेंटर। तो आपको बहुत सारी क्लासेस तो आपको याद ही नहीं करनी पड़ेंगी भाई, वो आपको ऐसे ही याद हो जाएंगी। तो अब देखें ना, हमने टेक्स्ट सेंटर वहाँ पे लिखा और CSS हमें जरा से भी नहीं टाइप करनी पड़ी और ये सेंटर हो गया। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। और फिर उसके बाद में देखिए आपको ये सारी क्लासेस यूज़ करनी है। अब प्राइमरी हो गया, सक्सेस हो गया, अब देखिए हमें इसको रेड करना है जैसे, तो यहाँ पर आप डेंजर कर दो, डेंजर कर देंगे तो ये रेड हो जाएगा, हुआ रेड। फिर उसके बाद में आपको और देखिए यहाँ पे कई सारे आप यूज़ कर सकते हो, म्यूटेड, प्राइमरी, सक्सेस, इन्फो, वार्निंग, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लिंक दे दूंगा, आप या फिर इनको वेबसाइट्स पे अपनी दे दूंगा, आप वेबसाइट से इनका यूज़ कर सकते हो, या फिर ये जो क्लासेस हैं आपको मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से इनको यूज़ कर सकते हो, क्योंकि एक क्लास बात वही रहेगी ना, तो कोई फ़ायदा नहीं रहेगा।
पे सारी क्लासेस आप यूज़ करो, जैसे वार्निंग हो गया मैंने दे दिया, अब वार्निंग का यूज़ करना है आपको, जैसे मान लीजिए तो अब वार्निंग यूज़ करेंगे तो यहाँ पर आएंगे गाइज, और यहाँ पे वार्निंग दे दिया मैंने, ठीक है, और इसको रिफ्रेश करेंगे। सो वार्निंग में देखिए ऑरेंज सा हो गया आपका, है ना। तो आप इस तरीके से आप सारी क्लासेस यूज़ करिएगा, ये क्लासेस आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, या फिर आपको वहाँ पे लिंक मिल जाएगा वेबसाइट का, आप डीके वेबटेक पे जाके इनका यूज़ कर सकते हो, ठीक है। फिर इसके बाद में अब देखिए, अब हम चाहते हैं कि इसी का बैकग्राउंड देना, तो अब बीजी बैकग्राउंड कलर पे आते हैं। तो अब बीजी प्राइमरी, सबसे पहले अब बीजी प्राइमरी कॉपी करते हैं, या आप टाइप भी कर सकते हो इसी के आगे टेक्स्ट सेंटर। अब देखिए जो कोई भी अलग से क्लास लगाओगे तो उसके लिए स्पेस दे दोगे, अब यहाँ पे लिखेंगे सॉरी बीजी प्राइमरी, ठीक है। अब देखिए हमने बीजी प्राइमरी कर दिया, तो यानी कि अब बैकग्राउंड का ये कलर हो गया, यहाँ पे टेक्स्ट वार्निंग किया था यानी कि टेक्स्ट का कलर हो गया। अब यहाँ पर आते हैं और रिफ्रेश करते हैं, तो आप ये देखोगे कि पूरा का पूरा क्या हो गया, यहाँ पे पूरा का पूरा ये कलर जो है वो चेंज हो चुका है, प्राइमरी हो चुका है। अब ये देखिए कलर जो है वार्निंग सा था, तो आप देखो यहाँ पे कलर अगर ना भी दोगे तो अब देखो यहाँ पे सिंपली मैं कलर की क्लास नहीं देना चाहते हो, तो अब देखिए यहाँ पे ये ब्लैक आएगा, ठीक है, या फिर आप यहाँ पे कलर जो है आपको देना ही है तो टेक्स्ट वाइट, टेक्स्ट वाइट करेंगे तो देखिए टेक्स्ट वाइट आ गया है ना। तो आप इस तरीके से आप जैसा चाहते हो वो कलर आप यहाँ पे दे सकते हो सिंपली गाइस। सो ये सिस्टम है, आप कोई भी आप इस तरीके से बैकग्राउंड की क्लास यूज़ कर सकते हो। डेंजर आपको यूज़ करना है तो डेंजर पे आए और यहाँ पे डेंजर टाइप कर दो, तो इस तरीके से आप मल्टीपल क्लास यूज़ कर सकते हो। तो डेंजर करेंगे तो ये रेड सा हो जाएगा, ओके। सो यहाँ पे आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। अब जैसे मैंने यहाँ पे बताया हुआ था, एक और क्लास थी टेक्स्ट वाइट 50% बिजी डार्क, तो ये बात वही हुई, ये मैं यह देखिए टेक्स्ट वाइट मैंने कहा और बिजी डेंजर कहा, या बिजी डार्क कर दो कुछ भी, इसको यहाँ पे लिख दो। तो ये मल्टीपल क्लास यूज़ करने का तरीका मैंने बताया, यहाँ पे आप कई क्लासेस यूज़ कर सकते हो। देखिए यहाँ पे कितनी क्लासेस यूज़ हो रही हैं, एक दो और ये तीन क्लासेस गाइज मैंने यहाँ पे यूज़ की हैं। एक किस चीज़ के लिए, एक टेक्स्ट के कलर के लिए है, और एक उसके बैकग्राउंड के लिए है, और एक उसको सेंटर में लाने के लिए है। तो टेक्स्ट के लिए जो थी क्लासेस वो टेक्स्ट के साथ में ऐड कर दी गई, जो बैकग्राउंड के लिए थी वो बैकग्राउंड के साथ यानी बीजी करके ऐड कर दिया गया। यहाँ पे हम सिर्फ टेक्स्ट को ट्रांसपेरेंस कर सकते हैं, ना कि बैकग्राउंड को, उसको दे करने के लिए मुझे अलग से क्लासेस ऐड करनी होंगी और सीएसएस में जाके करना होगा। तो यहाँ पे हम देखिए इसके कलर को चेंज करना चाहते हैं, ये 50% करते हैं, तो ये देखिए 50% हो गया है। अब इसको हमें ब्लैक करना है, ब्लैक करेंगे ये देखिए ब्लैक का 50% दिखा रहा है गाइज। सो यहाँ पे और भी कोई कलर अगर हम करना चाहते हैं तो देखिए, अब यहाँ पे ग्रीन में ले रहा हूँ, आप लोग कहीं सोच रहे होंगे तो कि ग्रीन हो जाएगा, तो देखिए ग्रीन नहीं होगा, ठीक है। आपको ग्रीन कलर करना है तो यहाँ पे सिर्फ ब्लैक और वाइट का ही यूज़ कर सकते हो, बाकी आप कलर के लिए किसी पर्टिकुलर कलर का नाम नहीं लिख सकते हो। यहाँ पे अब हमें करना भी है तो अब उसके लिए आपको यूज़ करना होगा, जैसे अब ग्रीन करना है तो सक्सेस क्लास का यूज़ करना होगा, सक्सेस क्लास का यूज़ करोगे तो देखिए ये ग्रीन हो जाएगा, ऐसे आप करना चाहोगे तो नहीं होगा, ठीक है। अब पर्टिकुलर आप कहोगे नहीं भाई ये रेड हो जाए, अब रेड लिखोगे तो रेड नहीं होगा गाइस। तो मैंने बताया ना आपको, अगर कलर किसी भी जगह यूज़ करना तो उसके आप क्लास से उसको कॉल करिए, जैसे प्राइमरी हो गया, सक्सेस हो गया, इन्फो हो गया, वार्निंग हो गया, डेंजर हो गया, सेकेंडरी हो गया, सारी क्लासेस मैंने आपको बता दी हैं, इन क्लासेस का यूज़ करके आप चेंज करोगे। बस यही है कि ब्लैक और वाइट आप कर सकते हो, इसके अलावा आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पे आए और इसको ट्रांसपेरेंसी जो है वो भी यही ब्लैक एंड वाइट में ही आप दे सकते हो, बाकी कहीं पे नहीं दे सकते हो। तो ये आज का फ्रेंड्स ट्यूटोरियल था और इसमें काफ़ी अच्छी चीज़ें थी, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।